अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 272। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। पिछले दो चुनाव से अकेले बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी इस बार इस अंक गणित से 32 सीट दूर है, लेकिन उसकी अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए को 293 सीटें आई हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने का रास्ता साफ है। इसे लेकर एनडीए की बैठक में फैसला भी हो चुका है। एक तरफ एनडीए ने सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ इसे लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में भी बहुमत के अंकगणित जुटाने की सुगबुगाहट है। बहुमत से बेहद दूर विपक्षी गठबंधन के पास आखिर कौन सा फॉर्मूला है जिसके बूते वो सरकार बनाने का ख्वाब देख रहा है, आइए इसका अंकगणित आपको दिखाते हैं। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया। अगर सरकार बनाने की कोशिश ये लोगों ने की तो ये सरकार टिकने वाली। सलाम दुआ हुई, फिर देखे कि मेरा सीट पीछे लौट था, तो जो वो देखे आए हैं तो वो आगे बुलाए तो हम आगे चले। के जनादेश के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो चुकी है। सबूत ये दो तस्वीरें हैं। पहले एनडीए की बैठक हुई, फिर विपक्षी गठबंधन इंडिया की। एनडीए के पास बहुमत के अंकगणित से 21 सीट ज्यादा है, तो विपक्षी गठबंधन जादुई नंबर से 38 सीट दूर है। कुल मिलाकर सत्ता का अंकगणित 272 है जो फिलहाल एनडीए के पास है। लेकिन एनडीए में शामिल दो चेहरे ऐसे हैं जिनके पाला बदलने से विपक्षी गठबंधन को खेल बदलने की उम्मीद है। इनमें एक नाम बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार का, तो दूसरा नाम आंध्र प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री और टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू का है। विपक्षी गठबंधन की तरफ से इन दोनों नेताओं को लुभाने की कोशिश में क्या क्या हो रहा है ये आपको दिखाएंगे। अभी आप प्रधानमंत्री मोदी के एनडीए में शामिल नेताओं की दस्तखत वाली आस्था का सबूत देखिए। ये एनडीए की बैठक का प्रस्ताव है जिसके जरिए नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से एक बार फिर नेता चुने जाने का ऐलान हुआ। इस पर वैसे तो 20 नेताओं के दस्तखत हैं, लेकिन इस बार चौथे नंबर पर चंद्रबाबू नायडू और पांचवें नंबर पर नीतीश कुमार के दस्तखत खास हैं, जिन्हें लुभाने में एक तरफ विपक्षी गठबंधन के नेता पूरी शिद्दत से जुटे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी गठबंधन के नेता नरेंद्र मोदी में अटूट भरोसे का इजहार कर रहे हैं। मैं इतना ही मानता हूँ, मोदी जी के पास बहुमत नहीं है, बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। अब यहाँ वहाँ से जमा करके वो बहुमत जुटाना चाहते हैं, एक अनस्टेबल गवर्नमेंट देना चाहते हैं। इस प्रकार की सरकार चलाना ये मोदी जी का काम नहीं है। अगर सरकार बनाने की कोशिश ये लोगों ने की तो ये सरकार टिकने वाली है। मोदी जी को पूरी तरह जितनी मेजोरिटी के लिए सांसद लगते हैं, संख्या लगती है, उतनी पूरी हो चुकी है, उससे ज़्यादा है। और एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। और कहावत है, गिरे तो भी टांग ऊपर वाली, ऐसी बात है। जिनके पास आंकड़े नहीं है, जिनके पास मेजोरिटी नहीं है, वो सरकार बनाने की बात करते हैं, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। फिलहाल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने एनडीए का अटूट अंग बने रहने की गारंटी दी है। उन्हें पीएम मोदी की तरफ से तवज्जो भी खूब मिल रही है, इसे आप एनडीए की बैठक और इस ग्रुप फोटो से साफ समझ सकते हैं।
इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने चुनाव नतीजे आने के बाद अपने पहले संबोधन में भी इन दोनों नेताओं की खुलकर तारीफ की। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के फिर से पाला बदलने की अटकलें क्यों हैं? इसकी वजह और अंकगणित भी आपको दिखाएंगे। अभी आप 2024 के जनादेश में दोनों गठबंधनों की सीटों का गणित देखिए। एनडीए को 293 सीटें मिली, इनमें से बीजेपी अकेले 240, पीडीपी 16, जेडीयू 12, शिवसेना 7, एलजेपी रामविलास 5 और 13 सीटें गठबंधन में शामिल अन्य दलों ने जीती। जबकि इंडिया को 234 सीटें मिली है, इनमें से कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 99, समाजवादी पार्टी 37, टीएमसी 29, डीएमके 22, शिवसेना यूबीटी 9, एनसीपी एससीपी 8, 30 सीटें गठबंधन में शामिल अन्य दलों ने जीती। इनके अलावा 16 सीटें गैर एनडीए, गैर इंडिया दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई। वैसे तो विपक्षी गठबंधन बहुमत से 38 सीट दूर है, लेकिन सत्ता की उम्मीद उसकी भी जवां है। इसका सबूत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस संदेश से भी सामने आया। फिलहाल विपक्षी गठबंधन की उम्मीदों से उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो चुकी है। एनडीए के घटक दलों ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। ऐसे में अब तीसरी बार उनकी अगुवाई में नई सरकार का शपथ ग्रहण महज औपचारिकता पर रह गया है। चुनाव पूर्व गठबंधन के लिहाज से एनडीए के पास बहुमत का अंक गणित है, लेकिन सच ये भी कि तीसरी बार मोदी सरकार में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है, क्योंकि 2014 और 2019 में बीजेपी को अकेले बहुमत था और इस बार सरकार का बहुमत एनडीए के घटक दलों और खास तौर पर टीडीपी और जेडीयू के समर्थन पर टिका है। ऐसे में ये दोनों नेता इसका फायदा उठाने में भी कसर नहीं छोड़ेंगे। चंद्रबाबू नायडू की सबसे बड़ी मांग आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की है, तो नीतीश कुमार भी सालों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये मांग नई सरकार के सामने नहीं रखेंगे, इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि अब बहुमत का अंकगणित ऐसा है कि वो अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार पर आसानी से दबाव बना सकते हैं। इतना ही नहीं, नई सरकार में ये दोनों नेता अपने अपने खाते में ज्यादा से ज्यादा मंत्री पद और अहम मंत्रालय भी हासिल करने की कोशिश से हिचकेंगे नहीं। यही वजह है कि एनडीए के घटक दलों में समन्वय के लिए बीजेपी ने 4 दिग्गज नेताओं की टीम भी बना दी है। ये नेता हैं अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और पीयूष गोयल। ये बात अब किसी से छिपी नहीं है कि विपक्षी गठबंधन के भी सत्ता में आने की उम्मीदें खिलौने मार रही है, लेकिन ये अरमान पूरा तभी हो सकता है जब उसके हक में बहुमत का अंकगणित हो। बहुमत का आंकड़ा इंडिया जनबंधन के पास फिलहाल है नहीं, इसीलिए कांग्रेस ने और अखिलेश ने पहले ही तय कर लिया कि वो बहुत ज्यादा सरकार बनाने को लेकर उत्सुक नहीं है। हालांकि उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी चाहते थे कि सरकार बनाने की कोशिशें की जानी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक हालात के मद्देनजर बैठक में फैसला हुआ कि सरकार बनाने का दावा इंडिया जनबंधन पेश नहीं करेगा और पूरी सियासी लड़ाई लोकसभा में लड़ी जाएगी, यानी भविष्य का इंतजार किया जाएगा। जाहिर है विपक्षी गठबंधन की नजर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर है, जो दोनों तरफ रह चुके हैं। नीतीश कुमार तो इतनी बार पाला बदल चुके कि वो कब इधर से उधर हो जाएं, इसकी कोई गारंटी ही नहीं। इसे लेकर सबसे नई सुगबुगाहट पटना से दिल्ली की हवाई यात्रा की इन दो तस्वीरों ने और तेज कर दी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक ही हवाई जहाज से दिल्ली रवाना हुए। तेजस्वी यादव पहले नीतीश कुमार के पीछे वाली सीट पर बैठे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों ही अगल बगल बैठे नजर आए। इन तस्वीरों को देखकर अटकलों का बाजार गर्म होना था, सो हुआ भी। इस पर नीतीश कुमार ने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो कहा उसे बहुत गौर से सुनिएगा। एक अच्छा मौका है उनको, किंग मेकर के रूप में अगर है तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएं
और पूरे देश में जाति जनगणना करवाएं और जो बिहार का आरक्षण बढ़ाया गया 75% उसको शेड्यूल 9 में डाल दें। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस बार देखा गया पहली बार नरेंद्र मोदी जी ख़त्म हो चुके हैं, उनका मैजिक ख़त्म हो चुका है। नहीं नहीं सलाम दुआ हुई फिर देखिए कि मेरा सीट पीछे लौट था तो बाद में वो देखे आए हैं तो हमको आगे बुलाए तो हम आगे चले गए। नीतीश कुमार से एक बात क्या हुई तेजस्वी ने तो नहीं बताई, लेकिन उनकी पार्टी आरजेडी का इरादा क्या है ये सबके सामने है। जिस पड़ाव पे खड़ा है देश उसमें उनको अहम भूमिका निभानी चाहिए और अब जो है जो हुआ सो हुआ उसका अंत करके फिर जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, नेशनलिस्ट लोग हैं, स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टियां रही हैं, मैं वंचितों की आवाज़ वाली पार्टियां रही हैं, उनको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को अब सत्ता से बेदखल करना चाहिए। 292 सीट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की पूरी एनडीए, पूरा देश में एनडीए 292 सीट जीता है। नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। बीजेपी ने ही नहीं जेडीयू ने भी आरजेडी के इस न्योते को फिलहाल ठुकरा दिया है। नीतीश कुमार जी जब की जब जरूरत पड़ी तब न्योता दे रहे हैं। ये कैसे लोग हैं जो माननीय नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर अपरोक्ष रूप से हमला करते हैं और जब जरूरत पड़ी तो प्रेम दर्शाते हैं। जेडीयू के तरफ से लगातार एनडीए में बने रहने की गारंटी दी जा रही है, लेकिन बिहार की नीतीश कुमार की सरकार के ही एक मंत्री की तमन्ना क्या है उसे भी सुनिए। कुमार जी दिल्ली पहुंचे ताकि देश का और भी विकास हो सके, जो बिहार में मॉडल है बिहार में लोगों ने देखा है और रही सवाल के हर क्षेत्र में काम किया है, काम के साथ साथ इस बात का मान्यता। दिल्ली पहुंचे मतलब क्या? दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जिससे बिहार का विकास हुआ, पूरे देश का विकास होगा। देश की जनता, देश की आवाम, गरीब कमजोर मजलूम बेसहारा वो चाहती है कि हमारा विकास हो, भाईचारा भी बना रहे। हालांकि एनडीए में शामिल एलजेपी रामविलास और एचएएम ने इस मांग पर क्या कहा उसे सुनना भी बहुत जरूरी है। एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं और 5 साल तक ये सरकार न सिर्फ मजबूती से चलेगी बल्कि देश को वो मजबूती देगी जिसका जिक्र मेरे प्रधानमंत्री ने किया था कि अभी ये ट्रेलर है, अभी विकास की कई गाथाएं लिखनी बाकी है। मोदी जी के नेतृत्व में सबको विश्वास है, विश्वास में लोग चलेंगे और जनता ने बहुमत दिया है, मैंडेट दिया है नरेंद्र भाई मोदी जी को। अगर उस मैंडेट के खिलाफ कोई जाएगा तो फिर जनता विचार करेगी, लेकिन जहां तक हम लोगों का सवाल है, हिंदुस्तानी अवाम और सेकुलर का, बच्चे का कंटेंशन है कि हम लोग हर हालत में नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ रहे। दरअसल नीतीश कुमार पर विपक्षी के डोरे डालने के पीछे उनका पाला बदलने का इतिहास है। 1996 से बीजेपी के साथ गठबंधन की डोर में बंधे नीतीश बाबू 2013 में एनडीए से दूर हो गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने पर करारी हार हुई तो 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी से रिश्ता जोड़ लिया, लेकिन 2017 में आरजेडी से ऐसा मन उबा कि फिर बीजेपी के पास लौट आए। 2022 आते आते बीजेपी से भी मन भर गया, एक बार फिर आरजेडी के साथ हो लिए। 2024 में एक बार फिर नीतीश का मन बदला और वो बीजेपी के पास आ गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पाला बदलना कोई नई बात नहीं है। अब यह बात दिगर है कि चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह वादा कर चुके हैं कि अब वो कभी भी इधर से उधर नहीं जाएंगे। लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, ये कहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब भाजपा से हाथ मिला चुके हैं। कुछ ऐसी ही कहानी चंद्रबाबू नायडू की भी है, वो भी सहूलियत के हिसाब से बीजेपी से रिश्ता तोड़ते और जोड़ते रहते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने 1999 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा, तब संयुक्त आंध्र प्रदेश में 29 सीटों के साथ एनडीए में टीडीपी दूसरी बड़ी पार्टी थी, बावजूद इसके वो सरकार में शामिल नहीं हुई, लेकिन गठबंधन के गणित में स्पीकर की कुर्सी जरूर हासिल की।
2002 में जब गुजरात में दंगे हुए तो एनडीए के घटक दलों में टीडीपी ऐसी पहली पार्टी थी जिसने तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की। लेकिन फिर 2014 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया तो वह एनडीए का हिस्सा बन गए और इस बार टीडीपी केंद्र सरकार में शामिल भी हुई। इसके बाद 2018 में विशेष राज्य के दर्जे पर वो बीजेपी से दूर हो गए, यहाँ तक कि मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया। उन्होंने 2018 में तेलंगाना का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा और 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की भी कोशिश की। इसके बाद 2024 के चुनाव से एन पहले चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर से बीजेपी से गठजोड़ किया और विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में भी जोरदार जीत दर्ज की। टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू मंझे राजनेता हैं। वो कई बार गठबंधन बदल चुके हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली पहली सरकार में उनकी पार्टी मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुकी है, लेकिन फिर 2018 में उन्होंने विशेष दर्जे की मांग पर एनडीए से नाता तोड़ लिया। तब उन्होंने कांग्रेस से हाथ भी मिलाया था, मगर अब 2024 के चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर नायडू ने बीजेपी से गठजोड़ कर लिया। फिलहाल विपक्ष की तरफ से डोरे डालने के बावजूद चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से गठबंधन कायम रखने की गारंटी दे रहे हैं। I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. In course of time, anything will report. अब सवाल ये कि क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सचमुच पाला नहीं बदलेंगे? क्या पूरे 5 साल तक वो एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे? सरकार बनाने के लिए 272 का अंक चाहिए, तो ये दोनों अगर चले जाते हैं तब भी सरकार नहीं बने। उस समय अगर शिवसेना भी अलग हो जाए, जो इस समय अभी इनके साथ है, अभी का वो भी 7 सीटें हो जाएगी, कुछ और दूसरे हो जाए तो एक अलग परिस्थिति बनेगी। आज की परिस्थिति में इस समय जनादेश ऐसा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अलावा कोई सरकार नहीं बनेगी। ये दोनों बाहर चले जाते हैं तो फिर चुनाव में देश को जाना पड़ेगा। गठबंधन की सियासत में सौदेबाजी की रवायत बहुत पुरानी है। ऐसे में इसमें कोई शक नहीं कि 2024 के जनादेश के बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की चांदी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।